सीमा जी, मनोज जी, इस शो का नाम है क्लास एक्ट। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप इस शो में हैं, और बिल्कुल जरूरी है क्योंकि आपके परफॉर्मेंसेस एकदम क्लास के परफॉर्मेंसेस। थैंक यू। आप दोनों बहुत सालों से काम कर रहे हैं। सीमा जी, आपने अभी अभी 50 इयर्स कंप्लीट किए हैं एक्टिंग के। आप मनोज जी, आप भी 30-35 इयर्स से आप यू बीन एक्टिंग? जी हाँ, मैं पीछे पीछे ही हूँ इनके। जी बिल्कुल। लेकिन क्या ये सही होगा कहने को कि हालांकि आप कई सालों से काम कर रहे हैं, पिछले कुछ सालों में एक जैसे रीडिस्कवरी हुई है? एक्चुअली मुझे लगता है कि हमारा तो पूरा सिनेमा ही बदल रहा है जी। तो उसमें शायद वो होते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लेने वाली बात है, क्योंकि पूरा बहुत कुछ चेंज हुआ है। आप भी देख रहे हैं कि सिनेमा एक बहुत अलग पकड़ ले चुका है, और वैसी वाली फिल्में अब कम बन रही हैं, घरेलू फिल्में ज्यादा बन रही हैं। तो मैं अपने बारे में तो जितना जानती हूँ, क्योंकि मनोज को तो बॉम्बे में काफी अच्छा वेलकम बहुत सालों से मिला है, क्योंकि हाँ, वो बहुत स्टाइलिश काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, तो मुझे मालूम था क्योंकि मैं जिस तरह की दिखती हूँ घरेलू सी, तो जब तक घरेलू फिल्में नहीं आती मेरा कोई काम था नहीं। तो जैसी घरेलू फिल्में शुरू हुई तो लोगों को लगा, ओह ये तो बैठी है ना माँ। एक्चुअली हमने दो साल पहले हमने बात की थी, और तभी आप बोल रही थी, तभी आई थिंक ये दोनों फिल्में जस्ट रिलीज हुई थी, और हम यही पूछ रहे थे कि हम यही बात कर रहे थे कि आगे जाके क्या होगा। पर अच्छा ही लग रहा है ना, मतलब जी बिल्कुल। ये मुझे तो बहुत खुशी है, जैसे बधाई हो आई या इस तरह की फिल्में आई, तो मुझे बहुत खुशी है कि चलो शुक्र है कि और माएं और माओं की और सारी प्रॉब्लम्स भी लोगों को समझ में आ रही है। अब वो कोई भी करे, मैं करूं, कोई और एक्ट्रेस करे, और लेकिन सिनेमा में कम से माँ आ गई। मनोज जी, आप कॉमेडी एलिमेंट लेकर आते हैं बहुत सारी फिल्मों में है, बट मुल्क के साथ एक एक बिल्कुल ही अलग अपॉर्चुनिटी मिली। हालांकि आप थिएटर में बहुत वैरायटी करते हैं, लेकिन हम जानते हैं थिएटर कितने कम लोग देखते हैं अनफॉर्चुनेटली। अब एक नेगेटिव रोल, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि और भी लोग होंगे जिन्होंने आर्टिकल 15 शायद अभी तक नहीं देखी। आप सरप्राइज थे जब ऐसे अपॉर्चुनिटीज आए? मैं तो जैसे जब यहाँ पे काम करने के लिए आया बॉम्बे के अंदर, तो मैं आते ही काम में लग गया। जैसे आपने कहा कि मैं लगातार काम करता ही रहा, लेकिन हाँ, जैसे कि होता है एक्टर के पास बहुत ज़्यादा चॉइस होती नहीं है, जिस तरह का ऑफर मिल रहा है उस तरह से काम करते रहो, तो कॉमेडी 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 है। और लेकिन अगर जैसे अभी क्रिकेट के संबंध में कहें तो मैं कहूँगा कि पिच पे बने रहना बहुत ज़रूरी था, तो करेक्ट बॉल आए उस पर शॉट मारना और बने रहना बहुत जरूरी था। मैं बना रहा तो मुझे अनुभव के साथ ये था कि बहुत पुराना संबंध है। तुम बिन की थी आपने? तुम बिन भी की थी, और उनके पहले सीरियल जो किए थे अच्छा। सी हॉक्स और शिकस्त, उसमें नेगेटिव कैरेक्टर भी किए थे। तो अब जैसे कि इन्होंने भी कहा कि टाइम भी चेंज हो रहा है, फिल्म भी अलग तरह की बन रही है, लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो उस दौर में अनुभव सिन्हा भी बदले और उन्होंने भी दोबारा रुख बदला। बीच में बनाई है उन्होंने 10 और कैश जैसी फिल्में बनाई हैं, तो उसमें दोबारा से बनाई, और लकीली मुल्क और ऐसी फिल्मों में मुझे डिफरेंट कैरेक्टर करने को मिला, तो मेरे लिए भी एक अच्छा एक रिफ्रेशिंग चेंज रहा। Correct. और बड़ा मजा भी आया करने में, और ऑडियंस ने भी अप्रिशिएट किया जी। तो एज एन एक्टर भी एक बहुत अच्छा चेंज मैं कहूंगा, और रिफ्रेशिंग चेंज बहुत रहा। मुल्क में आप एक ऐसे पिताजी का रोल कर रहे हैं जिनको अक्यूज किया जाता है कि वो अपने टेररिस्ट बेटे को हेल्प कर रहे थे। किस तरह का आपको प्रिपरेशन कैसा रहा उस तरह का किरदार प्ले करने के लिए, आपने क्या किया? अब जिस इस तरह का कैरेक्टर मिलता है, तो पहली बात तो पहले ही आप बहुत डरे होते हैं और डरा भी दिए जाते हैं। जैसे कि मुल्क में जब कास्टिंग हुई थी, तो अनुभव ने जब स्क्रिप्ट दी, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मुझे तो सबने मेरी टीम ने मना किया है कि मनोज जी को आप ये कैरेक्टर ऑफर कर रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं देना चाहिए, क्योंकि ही इज अ वेरी गुड एक्टर बट ही इज अ कॉमेडियन। क्योंकि हाँ, वो क्या है कि वो लोग तो आते ही देखते हैं, उनको देख के हंस देंगे मुस्कुरा देंगे, तो ये बहुत इमोशनल कैरेक्टर है। तो मैं तो बहुत डरा हुआ हूँ, तो आपके ऊपर पहले ही बोझ आ जाता है। तो लेकिन क्या है कि स्क्रिप्ट है, और मैंने भी कहा, मैंने कहा आप तो मुझे पर्सनली जानते हैं, और आप जानते हैं हम एज एन एक्टर एक अच्छा एक्टर है तो कर सकता है। कर सकते हैं, हाँ। तो प्रिपरेशन के लिए कि आप इस तरह के कैरेक्टर्स को आप जानते हैं, पढ़ते हैं अपने एक्सपीरियंस से, और आपका एक अपना एक्सपीरियंस भी है थिएटर का, और ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता भी था जिनको मैंने देखा है कि
बचपन से एक छोटे हैं, छोटे हैं आप, मैं पास हुआ हूँ 40% मार्क्स से, अरे तुम क्या करोगे, अपने बड़े भाई को देखो 80% लाया है. बचपन से ही जो है कि वो बड़े की छाया में है, वो कभी पनप ही नहीं पाते. तो मैं बिलाल को हमेशा से उस तरह से, और इस तरह से मैं दिल्ली में भी रहा हूँ, दरियागंज में पला बड़ा हूँ, तो जिस माहौल की वो कहानी थी उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है बचपन से. जामा मस्जिद, दरियागंज, चूड़ी वालान, सुई वालान, कटरा से मेरे बहुत से दोस्त थे जो हम लोग साथ में खेले हैं उन जामा मस्जिद की गलियों में. मैं जानता था बहुत सारे ऐसे लोगों को भी. तो आप बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करते हैं, अपनी उस मेमोरी में भी जाते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें थी जो जिनको रिलेट करके मैंने उस कैरेक्टर को तैयार किया और उसकी तैयारियां हुई. डायरेक्टर भी रहते हैं, स्क्रिप्ट भी रहती है. तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो प्रिपरेशन में काम आई मेरे. सीमा जी, मनोज जी ने बहुत इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि एक स्टीरियोटाइप हो जाता है और लोग डर जाते हैं कि जो जिन्होंने कॉमिक एक्टर के तौर पर इतनी सफलता मिली है उनको क्या वो ड्रामेटिक रोल कर पाएंगे. मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि बढ़िया फिल्में थी ये सब, लेकिन सब में माँ का रोल था और आपने क्या किया कि आप कुछ नया लेकर आई उन सभी रोल्स में. और हमने इसके बारे में पहले भी बात की है कि कैसे हर माँ एक जैसी नहीं होती, इसलिए कुछ नया लाना पड़ता है. पर ये एक फ्रस्ट्रेशन है कि स्टीरियोटाइप हो जाता है एज के वजह से, अपीयरेंस के वजह से, जो जो जिसमें सफलता पहले मिली है उस वही वही दोबारा कराते हैं. ये एक्टर की इनसिक्योरिटी नहीं है, ये एक राइटर, ये एक डायरेक्टर, ये एक फिल्म का तरीका जो बन रहा है उनकी इनसिक्योरिटी मैं कहूंगी. क्योंकि हम तो तैयार हैं हर तरह के रोल करने के लिए, मगर ऐसे रोल लिखे कम जाते हैं. ये मैं अक्सर बार बार यही बात बोलती हूँ कि लिखने में कंजूसी होती है. वो बहुत फोकस जो है वो हमेशा मेन एक्टर या मेन हीरो हीरोइन की कहानी पे होता है, जो साथ में लोग जी रहे हैं उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता. पर मुझे लगता है कि इसका शिकार तो बहुत सदियों से सारे एक्टर्स होते रहे हैं और पता नहीं कितना ब्रेक होगा नहीं जानती. पर उम्मीद जरूर है कि अभी इतनी अच्छी अच्छी फिल्म्स आई हैं, इतने अच्छे अच्छे किरदार सब एक्टर्स ने किए हैं, तो शायद ये लोग हम पे भरोसा करेंगे और अच्छे रोल हमें देंगे. जैसा कि मनोज जी ने अभी इतना बड़ा एक इमेज को, इतने सालों की इमेज को ब्रेक किया है, वो सिर्फ रीजन ये है क्योंकि एक अच्छी राइटिंग मिली उन्हें, एक अच्छा किरदार दिया और एक डायरेक्टर ने भरोसा. एक्टर कुछ नहीं कर सकता नहीं, जब तक वो डायरेक्टर का भरोसा तो चाहिए ना आपको. डायरेक्टर मुझ पर फेथ करेगा तो मैं उसको कुछ भी करके दे सकती हूँ. तो क्या मुल्क की सफलता थी उस कैरेक्टर का जो एक्सेप्टेंस मिला, जो अवार्ड मिले आपको मुल्क के लिए, क्या उस वजह से अनुभव ने दोबारा अपॉर्चुनिटी दिया कि आर्टिकल 15 में भी मैं ड्रामेटिक रोल दूंगा पर एक बिल्कुल ही अलग रोल दूंगा. मतलब मुल्क से भी बहुत ही अलग था वो बिल्कुल अलग कैरेक्टर था, पुलिस अफसर का जो कैरेक्टर था, जो हायर कास्ट का था और जो काफी बुरी चीजें करता है. हाँ मतलब देखिए, अब अनुभव का केस तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल डिफरेंट है. क्योंकि अनुभव 25 साल पहले भी मेरे को सीरियल में नेगेटिव कैरेक्टर करवा चुका है. बट डेफिनेटली मुल्क के बाद बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिले, बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स मिले. इमीडिएटली फिल्म रिलीज होने के बाद मुझे अचानक, मैं टोटल धमाल की शूटिंग कर रहा हूँ और उसकी वैनिटी में बैठा हूँ, अचानक जो है एक डायरेक्टर मेरे पास आता है और मेरे को कहता है कि सर मैं इधर मिलने आया था संजय मिश्रा जी से, हम एक फिल्म उनको साइन करने आया, आपको भी साइन करना चाहते हैं. एक बहुत ही ट्रेजिक कैरेक्टर है, उसकी बेटी का रेप एक पॉलिटिशियन कर देते हैं और हमने तो मुल्क में देखा, तो हमने कहा कि आप क्यों नहीं कर सकते, वो पागल हो जाता है और बहुत ही ट्रेजिक कैरेक्टर है. तो मतलब सडनली जो है मुल्क के बाद लोगों को एकदम पता नहीं कहां से कॉन्फिडेंस आ गया. जबकि ये एक बड़ी सिंपल सी बात है कि एक अच्छा एक्टर जो है, और कॉमेडी बहुत डिफिकल्ट चीज है, कि एक अच्छा एक बड़ी सिंपल सी बात है जो एक बेसिक एक एक्टर, एक डायरेक्टर और एक इस क्राफ्ट को जानने वाले को आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि एक अच्छा एक्टर कोई भी परफॉर्मेंस कर सकता है. बट ये हमारे यहाँ एक बहुत क्लीशे सी चीज है कि नहीं 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 ये कॉमेडियन, जो मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे क्यों धारणा बन जाती है. आप दोनों बहुत सालों से काम कर रहे हैं और 31 इयर्स से शादी हुई है. इन 31 इयर्स में आई थिंक हाल ही में दो फिल्में आई जहां आपको एक दूसरे के ऑपोजिट पेयर किया. जी, जी, जी. एक थी भल्ला.com और एक थी खजूर बैठ के. किस तरह का अनुभव रहा जस्ट टू वर्क टुगेदर? आई नो इन थिएटर में आपने बहुत सारा काम किया. वही मतलब मुझे लगता है कि हमें समझ, मतलब हमें फर्क ही नहीं लगा. करेक्ट. क्योंकि शायद थिएटर में हम लोगों ने दोनों ने इतना साथ में काम किया है जिसकी वजह से हमारी शादी हुई. उस वजह से हम दोनों के बीच में एक बहुत ही एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. तो ऐसा नहीं कि किसी सीन को लेके मैं और मनोज कभी बात करें कि इसमें ऐसा करें वैसा करें.
मनोज ने किया, मैंने जवाब दिया, मैं जो कर रही थी मनोज उसका जवाब दे रहे थे. तो ऐसा है कि ये इसके पीछे एक और चीज भी है कि दो एक्टर हैं जो थोड़ा सा क्राफ्ट जानते हैं तो वो किसी भी रूप में कभी भी काम करेंगे. वो एक दूसरे के लिए काफी एक दूसरे को पूरक होते हैं. तो कोई भी एक्टर हो, चाहे मनोज जी के साथ कोई और थिएटर की एक्ट्रेस भी होती है, तो शायद वो टाइमिंग बहुत जल्दी सेट हो जाती है क्योंकि हम समझ जाते हैं, गिव एंड टेक होता है. पहली बार कब काम किया हम लोग में मिले हम लोग के दौरान? हम लोग से पहले हम थिएटर करते थे साथ में. हम लोग आई थिंक ऑडियंस के तौर पे पहली बार सॉर्ट ऑफ रिकॉग्निशन मिलती है क्योंकि आप बड़की थी उसमें. आप टोनी के किरदार में थे जो बड़की के छोटे बहन के साथ भाग जाते हैं. हम लोग में इन्होंने ही मेरा नाम रिकमेंड किया था. मैं थिएटर करता था तो हम लोग में जो है जो इनकी छोटी बहन दिव्या थी उनके अगेंस्ट एक कैरेक्टर की कास्टिंग होनी थी तो वो बॉम्बे से किसी को कास्ट करना चाहते थे तो इन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया था कि एक लड़का है बंडिया उसमें भी है जो अच्छा एक्टर है उसको ले लो. हाल ही में आपने डायरेक्ट भी किया इनको फिल्म में. आपने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की थी रिलीज के लिए शायद साल के एंड तक रिलीज होगी. मुझे याद है कि आपने आपने हमारे शो पे बोला जी बिल्कुल. और मैं इसको बहुत अच्छे से मेंशन करना चाहूंगी कि मेरे लिए इतना लकी रहा वो शो क्योंकि मैंने आपके शो में ये बात बोली थी कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है अच्छी सी. अब पता नहीं उसको कोई बनाएगा कि नहीं बनाएगा, अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज बनाए. तो आप यकीन नहीं करेंगे कि जिस दिन वो टेलीकास्ट हुआ उसके दूसरे दिन ही मेरे पास दृश्यम से फोन आया और उन्होंने कहा हमने कल रात को आपका प्रोग्राम देखा है और आपके पास कोई स्क्रिप्ट है हम सुनना चाहेंगे. मैंने सुनाई और वो फिल्म बन गई और मैं तो बहुत ही मजा आया मुझे ये सुन के. और उसमें विक्रांत मैसी भी है मेरे साथ और विक्रांत भी आपके प्रोग्राम में था आपके साथ तो उसने मुझे एकदम से शूटिंग में मिला और उसने कहा वाह सीमा जी कमाल हो गया अभी तो बात हुई थी. मैंने कहा देखिए अगर जिसको बनना होता है जिसकी डेस्टिनी है वो बन के रहेगी. फिल्म कैसा अनुभव रहा सीमा जी फिल्म डायरेक्ट करने का बहुत सालों से 2016 में शायद आपने लिखी थी जी जी और आपने बंद करके रख दी थी जब जब टाइम आएगा तब आएगा. पर डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है. मुझे ऐसा लगा कि बहुत मैं बहुत कंप्लीट फील कर रही हूँ क्योंकि ये सब कुछ आपके हाथ में है. तो सब कुछ आप ही क्रिएट कर रहे हो तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है और बहुत थिएटर जैसी फीलिंग आई कि कॉस्ट्यूम में भी मेरा हाथ है, म्यूजिक में भी मेरा हाथ है, लाइट में भी मेरा हाथ है और मुझे करते वक्त भी बहुत मजा आया है. बहुत एंजॉय किया मैंने. मैंने पढ़ा कि आपने पूरी स्क्रिप्ट हाथ से लिखी जी. बिल्कुल लैपटॉप पे कंप्यूटर पे कुछ नहीं था, पूरी स्क्रिप्ट हाथ से लिखी और आप जब घर का काम कर रही थी बीच में लिख लिया जैसे बिल्कुल लिख लिया ऐसे. बनाने का एक्सपीरियंस कैसा था? आप हैं इस फिल्म में बढ़िया वो ज्यादा अच्छा एक्टर बता सकते हैं. अच्छा कैसा? नहीं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मैंने एक दो जगह और भी मेंशन किया है कि बहुत कम सेट्स पे ऐसा होता है कि जितना अच्छा एक्टर्स के बीच में माहौल और जितना अच्छा जो हम लोग बहुत सारी दूसरी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं टेक्निक्स और ये और कैमराज और ये बहुत कम फिल्मों में मैंने देखा है कि एक्टर्स और परफॉर्मेंसेस और स्क्रिप्ट पे ध्यान दिया जाए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है फिल्म में होना चाहिए. और इस फिल्म में मेरा वो एक्सपीरियंस वो रहा कि बहुत ज़्यादा ऐसी मैं बहुत कम फिल्में जिनमें आपको डर लगता है कि आप जाएंगे सेट पे बहुत कम क्या फिल्में शायद ही कोई ऐसी फिल्म है जिसमें मेरे को ऐसा लगा हो कि मैं जाऊंगा और मुझे शायद टोक ना दिया जाए कि आप ठीक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. तो मतलब ऐसा कभी रेयरली होता है बल्कि होता है ज्यादातर कि मुझे ही जाके कहना पड़ता है कि शायद इसको ऐसा ना करें ऐसा कर लें. लेकिन ये एक ऐसा सेट था जिसमें लगता था कि परफॉर्मेंस को भी टोका जा सकता है क्योंकि कोई है जो बेटर नहीं नहीं क्योंकि हमारी सारी टीम को ही ऐसा था क्योंकि सारी टीम ऐसी थी क्योंकि बिकॉज शी वॉज द वन हु न्यू द स्क्रिप्ट सो वेल द कैरेक्टर सो वेल. छोटा सा भी कोई भी एक्टर हो एनी बडी जो भी जितने भी हम सब लोग बहुत सीनियर रखे क्या बढ़िया कास्ट है. जी जी नसीरुद्दीन शाह साहब हैं, आप हो मनोज जी, सुप्रिया पाठक, हम में से सब लोग जितने भी चाहे विनय पाठक हो चाहे कोई भी हो हम जितने भी कितने साल काम कर चुके हैं सब लोग हम डरे रहते थे भाई सीमा जी से पूछ लें कि ये ठीक है या नहीं है बिकॉज शी वॉज सो sure about everything जो कि बहुत रेयर होता है. temperament कैसा था? temperament मतलब डांटी पड़ती थी हमेशा. आज तक भी सुना दिया जाता है कभी कभी कि अच्छा था बट उतना बेहतर हो सकता था. अरे भाई हो गई अब फिल्म यार खत्म कर दी सबने अपना अपना बेस्ट कर दिया लेकिन अभी भी बात यही सुनाई जाती है कि उस जगह पहुंचे नहीं जहां पहुंच सकते थे.
अच्छा भाई अगली फिल्म में ट्राई कर लेंगे, डिमांडिंग डायरेक्टर, डिमांडिंग डायरेक्टर। आप खुश हैं फिल्म के साथ? जी बिल्कुल मैं खुश हूँ, और मैं इसी बात के लिए कहूंगी जो मनोज कह रहे हैं कि मुझे एज एन एक्टर जो एक्सपीरियंस रहा है कि डायरेक्टर डिमांडिंग नहीं होते हैं। उससे क्या होता है कि हम बहुत जल्दी खुद से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि अच्छा चलो 50% भी दिया पर ओके हो गया ना शॉट, चलो रहने दो। बट बहुत कम डायरेक्टर ऐसे मिलते हैं जो आपको 100% से भी ऊपर जाना चाहते हैं। तो उसमें जो एक्टर को चैलेंज मिलता है और जो वो चार्ज होता है और फिर वो अपना बेस्ट देने के लिए तड़पता है कि यार इसको सेटिस्फाई कर दूं किसी तरह से, तो मान ही नहीं रहा है किसी तरह से, क्योंकि हम यूज्ड हो जाते हैं ना, थोड़ी सी काम चोरी शुरू हो जाती है, थोड़े से बहाने शुरू हो जाते हैं, बट हम कोई देखने है ही नहीं, कोई बताने वाला नहीं है। तो मुझे लगा कि मैंने ऐसा फील किया था और मैंने ऐसा माना था कि कम से कम एटलीस्ट मेरे सेट पे हर एक्टर सेटिस्फाई होके जाए, उसको ये तृप्ति हो जाए कि उसने भर पेट की एक्टिंग की है। तो वो मेरी एक मेन टारगेट था कि कोई भी निराश होके ना जाए। और मैंने एडिटिंग पे भी, ऑब्वियसली एडिटिंग बहुत बड़ा तूफान होता है, करेक्ट, पर मैंने बहुत ध्यान रखा है कि मैं हर एक्टर को कहीं भी कोई शिकायत का मौका ना दूं, मैं सबको पूरा पूरा इंसाफ करूं, क्योंकि सभी दोस्त लोग थे, राइट, और मुझे बहुत खुशी है और मैं हमेशा उनको थैंक्स बोलती रहूंगी कि उन सब सारे आके खड़े हो गए मेरे लिए। मैंने पढ़ा कहीं पर कि क्योंकि आपको यही एक अफसोस रहा है कि ज्यादातर डायरेक्टर्स और राइटर्स सपोर्टिंग कास्ट पे ध्यान नहीं देते, उनको बैक स्टोरी नहीं देते, उनके मोटिवेशंस क्या हैं वो कभी डेवलप करने की, क्योंकि ज्यादा फोकस हमेशा स्टार्स पे रहता है। तो आपने तय किया था कि जब मैं बनूंगी डायरेक्टर, मतलब सबसे छोटा से छोटा भी किरदार हो, अगर एक सीन भी हो, उसकी बैक स्टोरी आपको पता है और वो उन्हें कन्वे किया जाए। आप देखिए मेरे जूनियर आर्टिस्ट का भी सिनॉप्सिस था मेरे पास। जी लवली। तो जितने जूनियर आर्टिस्ट काम करने के लिए आए थे, मैंने उनसे बाकायदा मीटिंग की थी, मैंने उनको बताया था आप क्यों हैं सेट पे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम डायरेक्टर से मिल ही नहीं पाते हैं, हमें जो कोऑर्डिनेट करते हैं वो बताते हैं और हम करके चले जाते हैं, इसलिए हर पार्टी में हम सिर्फ ग्लास पकड़ के रह जाते हैं। पर मैंने उनसे कहा नहीं, आप सब रिश्तेदार हैं और रिश्तेदार आए हैं तो क्या करेंगे, क्या करेंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा सा बस आपको मेहनत करने की जरूरत है या थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, एक दुनिया क्रिएट की जा सकती है, और मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें एक दुनिया क्रिएट कर सकूं। जी। बाकी तो आप लोग बताएंगे। अच्छी फिल्म बनी है मनोज जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी फिल्म बनी। इसलिए नहीं बोल रहे कि डांट पड़ेगी, नहीं नहीं नहीं, उस मामले में हमारा बहुत क्लियर मामला है, ऑनेस्टी है, और इस मामले में क्रिटिसिज्म घर से ही शुरू होता है, चैरिटी बिगिंस एट होम ओनली। मनोज जी, आर्टिकल 15 के बाद क्या चेंज आया है, क्योंकि बढ़िया रिव्यूज मिले हैं आपको, इनफैक्ट सम ऑफ द बेस्ट रिव्यूज मिले हैं, क्या क्या बहुत, इज इट टू सून टू आस्क कि क्या बदला है, क्या बदलेगा, या मुल्क के साथ भी आई एम श्योर, जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी आप फील कर रहे थे कि लोग आ रहे थे अलग अलग रोल्स के साथ, पर आर्टिकल 15 के साथ किस तरह का? अभी तो फिलहाल ये बदला है कि इतना ही बदला है कि जो कोई भी स्क्रिप्ट आ रही है वो अच्छी नहीं लग रही है। अच्छा, करेक्ट, क्योंकि गलत साइन लग रहा है, right. क्योंकि मुझे ये लग रहा है लॉन्ग रन में साइन अच्छा नहीं है, बहुत नुकसान आदत पड़ गई है, जो जो क्योंकि इतनी अच्छी फिल्म करने के बाद आपको जो जो डेफिनेटली अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए, जी. जो कि मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली इट इज नॉट ए गुड साइन, right. तो फिलहाल तो यही साइन लग रहा है, जो कि मैं इसको करेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ऐसी फिल्में भी करनी पड़ेगी ना, घर चलाना है, इसको मैं जल्दी से करेक्ट कर लूंगा, क्योंकि ये जो ऐसी जो फेजेज है ना, ये थोड़े लंबे टाइम बाद आते हैं, ये मुझे समझ लेना पड़ेगा। पर थिएटर जारी है, थिएटर जारी है, अभी फिलहाल फेस्टिवल की तैयारी चल रही है, 15 जुलाई से 30 जुलाई, तो वो चल रहा है काम, रिहर्सल चल रही है, वो तो चलता ही रहेगा, उसे तो हम बंद नहीं कर सकते। क्या थिएटर आज भी एक्टर को ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती है? अपॉर्चुनिटीज भी करते हैं, और उसके अलावा रियाज और कहाँ करेंगे आप, और अगर ये रियाज हमने बंद कर दिया तो मुझे नहीं लगता वो फ्रेशनेस अभी रह पाएगी हमारे पास, क्योंकि और नया स्टॉक ही नहीं है ज्यादा, मुझे लगता है कि वो जो एक रियाज वाला जो बहुत बात है ना, आपको जो कसरत है वो जो मजा आता है, वो जो आपको वो जो पूरा प्रोसेस है उसका, वो बहुत जरूरी है एक्चुअली, क्योंकि हम लोग और कहीं करते नहीं है एज एन एक्टर, और जो एक कोई वोकलिस्ट है या कोई वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, correct. वो अपने प्रैक्टिस के साथ करता, हम लोग को और कोई, हम लोग थिएटर में ही जाके
एक कहानी कर रहे हैं, एक तो उसकी एक महीना डेढ़ महीना रियाज की तरह कर रहे हैं, शोज कर रहे हैं, तो दैट इज अ काइंड ऑफ वो जो हमारे को बहुत जरूरी है, इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करना। और दूसरी बात ये, जैसे आपने कहा ना कि थिएटर की इतनी ज्यादा ऑडियंस नहीं है, मुझे लगता है आप जैसे ही फिल्मों में थोड़े से फेमस होते हैं, आपका नोन फेस होता है, तो मुझे लगता है एज एन एक्टर, थिएटर एक्टर, हमारी जिम्मेदारी है कि कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है कि हमारा फेस देखने आएंगे, पर आएंगे तो सही, करेक्ट, और एक बार अगर थिएटर तक पहुंचे और उन्होंने वो करिश्मा देखा, करेक्ट, तो उन्हें आदत पड़ेगी, राइट, तो मुझे लगता है फिर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि इसको थिएटर को हम कितना फायदा पहुंचा सकते हैं, हमारी ड्यूटी भी बनती है, तो बैक टू इट के बिकॉज क्या है कि लोग कमर्शियली उतना आते नहीं है, बट अगर फेस वैल्यू बन रही है एंड देन वी कैन गिव बैक इट के भाई अगर हमारे फेस वैल्यू को देखने आए और फिर वो मंटो रिस्मत आपकी कहानी देखें, करेक्ट, और उसको लगे चस्का उसका, राइट, जैसे विश्व महोत्सव के दौरान हम वो हिंदी पुस्तक वाले को बोलते थे कि स्टॉल लगाओ अपना आके, तो ही यूज़ से कि आपकी कहानी का शो होने के बाद मेरी भीष्म सानी की बहुत किताबें बिक जाती हैं, या पृथ्वी में जब इसमें आपा की शोज होता है तो इसमें आपा की कहानियों की किताबें बहुत सेल होती है, तो एक बच्चा अगर आया उसने इसमें आपा की कहानी देखी एंड ही गोज बैक एंड बायस ए बुक, अगर 20 बच्चे भी किताबें खरीद लेते इट्स अ गुड थिंग। क्या आपको ये फिल्म डायरेक्ट करने का जो अनुभव था सीमा जी, क्या इतना अच्छा लगा कि दोबारा करेंगे? सच में अगर पूछे तो मेरा बड़ा मन है दोबारा फिल्म डायरेक्ट करने का, इसलिए क्योंकि अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब सिर्फ मैं वेट कर रही हूँ उसके रिजल्ट का, कि मैंने तो सोचा, मैंने तो जाना कि हाँ मैंने अच्छी फिल्म बनाई है, बट वो दर्शकों तक जब पहुंचेगी या लोगों को वो भाएगी कि नहीं भाएगी ये मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली मैं अगर सब सक्सेसफुल रहा तो मैं डेफिनेटली एक और फिल्म बनाना चाहूंगा। इतना आपने इतना आपको लगा है आपके पूरे करियर में कि मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली जितनी आप जितनी मैं केपेबल हूं, तो क्या अगले फिल्म में खुद को डायरेक्ट करेंगे? ऐसा कोई ड्रीम रोल तो होगा? है ऐसा भी है, क्योंकि मुझे मालूम है वो रोल मेरे लिए कोई लिखेगा नहीं, तो मैं कोशिश करूंगी अगर ऐसी सब ऊपर वाले की कृपा रही और दर्शकों की रही, तो एक दिन खुद के लिए एक रोल अच्छा लिख के खुद काम करूंगी। मनोज जी डायरेक्शन आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो थोड़ा इस मामले में आलसी आदमी हूँ, मैं सिर्फ एक्टिंग पे ही कंसंट्रेट करूँ, और जब तक ऐसे अच्छे डायरेक्टर्स हैं, अच्छे डायरेक्टर्स हैं, मैं चाहूंगा कि ये इनका काम मिलता रहे, तो और मुझे मुझसे अच्छे डायरेक्टर्स एक्टिंग करवाते रहे, अच्छे अच्छे रोल्स करवाते रहे, बस चलिए उम्मीद यही है कि आपको हम बहुत अलग अलग रोल्स में देखेंगे, अनोखे रोल्स में देखेंगे। आपको एक्टिंग में तो सफलता मिली है, डायरेक्टिंग में भी बहुत सफलता मिले, हम यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमारी जिंदगी में इतनी खुशी भरी है आपके ब्यूटीफुल कॉमिक परफॉर्मेंस से, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस से, अब इन दोनों फिल्मों के जरिए, तो मतलब आई होप अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो। आपने माँ के रोल में कितने वेरिएशन लाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो में, क्लास एक्ट, बिल्कुल क्लास एक्ट सही आपके लिए। थैंक यू सो मच, और हम बहुत ज्यादा देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।